हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कितने पेपर्स होते हैं, क्या सारे पेपर कट ऑफ क्लियर करने होते हैं या फिर कुछ पेपर क्वालिफाइंग भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम यूपीएससी के पेपर को देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये दिखता है कि यूपीएससी का पेपर तीन स्टेप्स में होता है। तीन स्टेप्स में पहला पेपर जो होता है वो प्रीलिम्स का होता है हमारा, जिसको हम लोग प्री भी कहते हैं, और जो दूसरा स्टेप होता है वो हमारा मेंस का होता है, और जो तीसरा स्टेप निकल के आता है वो हमारा इंटरव्यू का होता है। अच्छा, इन तीनों स्टेप्स में जो पहला स्टेप है प्रीलिम्स का, चलिए उसमें देखते हैं कि उसमें कितने पेपर होते हैं। तो अगर मैं प्रीलिम्स को देख रहा हूँ तो प्रीलिम्स में हमारा दो पेपर दिख रहे हैं, प्रीलिम्स में हमारे दो पेपर आ रहे हैं। पहला पेपर जो है वो हमारा जीएस पेपर वन का है। जीएस पेपर वन में हमें दिख रहा है क्या कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 200 नंबर का होता है, और इसमें क्या होता है हमें कट ऑफ क्लियर करनी होती है। फिर प्रीलिम्स के अंदर देखें तो हमारा दूसरा पेपर किसका होता है, जीएस पेपर टू का होता है, जिसे हमें क्या कहते हैं सीसैट भी कहते हैं। ये भी हमारा कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का ही होता है, और ये भी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होता है, लेकिन ये कैसा होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें हमें 33% लेके आने होते हैं, मतलब 66 नंबर, यहाँ पे 67 हो गया, 66 नंबर होता है, 66 नंबर लेके आते होते हैं। और फिर इन दोनों पेपर को क्लियर करने के बाद हम पहला स्टेप प्रीलिम्स का क्वालिफाई कर जाते हैं, और फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेंस कहते हैं। मेंस में पहला पेपर जो हमारा होता है वो एसे राइटिंग का होता है। एसे राइटिंग में हमें 8 एसे आते हैं, 8 एसे में से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एसे लिखने होते हैं, 250 मार्क्स का होता है। फिर हम देखें तो सेकंड पेपर हमारा किस चीज़ का, जीएस पेपर वन का है। जीएस पेपर वन में अगर हम टॉपिक्स देखें तो हमें हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, और इंडियन सोसाइटी पढ़नी हुई होती है, और ठीक है इतनी चीज़ें हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गई, और एक टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का हमें पढ़ना होता है, आर्ट एंड कल्चर भी हमें पढ़ना होता है, और ये पूरा मिला के हमारा 250 मार्क्स का होता है जीएस पेपर वन। जीएस पेपर टू देखेंगे तो जीएस पेपर टू भी हमारा 250 नंबर का ही होता है, और इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, तो पॉलिटी पढ़ना होता है, और आईआर पढ़ना होता है, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने होते हैं, और सोशल जस्टिस पढ़ना होता है, मतलब एसजे सोशल जस्टिस पढ़ना होता है। फिर थर्ड पेपर देखेंगे जीएस पेपर थर्ड, तो इसमें हमें क्या होता है 250 मार्क्स का होता है, इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, और इकोनॉमिक्स के बाद इसमें हमें साइंस एंड टेक पढ़ना होता है, साइंस एंड टेक के साथ साथ हमें इसमें एनवायरनमेंट भी पढ़ना होता है, तो इतने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, और ये सब 250 मार्क्स का ही होता है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमें दिख रहा है क्या, जीएस पेपर फोर, जिसको हम लोग एथिक्स भी कहते हैं, और ये हमारा कितने मार्क्स का ही है, 250 मार्क्स का ही है। इसके बाद हमें मेंस में ही ऑप्शनल पेपर देना होता है। ऑप्शनल पेपर जो हमने चूज़ किया होता है सब्जेक्ट, उसके बेसिस पे होता है, जो हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होता है। तो हमारा दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर वन होता है और एक पेपर टू होता है, दोनों ही कितने के होते हैं, 250 मार्क्स ही होते हैं। अच्छा, अगर हम ऊपर देखें तो हमारा जो जीएस पेपर वन, पेपर टू, पेपर फोर है, यही 1000 मार्क्स का हो जाता है, और इसमें हमारा अभी ऊपर क्या होगा, एसए के भी नंबर जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। और ऑप्शनल की बात करें तो ये ओवरऑल कितना निकल के आ रहा है, 500 निकल के आ रहा है हमारा, ठीक है। अभी मेंस में ही हमारे दो लैंग्वेज बेस पे पेपर होते हैं। लैंग्वेज बेस में एक कंपलसरी हमारी लैंग्वेज होती है क्या, इंग्लिश होती है, और इंग्लिश का पेपर जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है। 300 में हमें 25% ही लेके आना होता है, मतलब 75 नंबर लेके आने होते हैं। और अगर मैं देखूँ दूसरे लैंग्वेज पेपर की, तो ये हम लोगों के ऊपर होता है हम लोग कौन सा लैंग्वेज चूज़ करते हैं। तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 लैंग्वेजेस देके रखी हैं, तो उन 22 लैंग्वेजेस में से जो हमने एक लैंग्वेज सेलेक्ट करी हुई होती है उसमें से हमारा पेपर होता है 300 मार्क्स का, और इसमें भी हमें 25% ही लाना होता है, मतलब 75 नंबर ही लाने होते हैं। सेकंड स्टेप जो मेंस है उसको क्लियर करने के बाद हमें थर्ड स्टेप मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, और ये हमारा होता है 275 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर मैं यूपीएससी को देखूं कि यूपीएससी कितने मार्क्स का निकल के आ रहा है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें 250 किसका ऐड करना पड़ेगा, एसे राइटिंग का, 1000 ऐड करना पड़ेगा जो जीएस पेपर वन, पेपर टू, पेपर फोर हो रहा था एथिक्स वाला, और फिर ऑप्शनल का 500 ऐड करना पड़ेगा, और फिर हमें 275 ऐड करना पड़ेगा इंटरव्यू का। तो ये ओवरऑल निकल के आता है 2025। तो ओवरऑल जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो कितने में निकल के आता है, 2025 मार्क्स का होता है। इतने में अगर आपके 1000 के अप्रॉक्स नंबर आते हैं तो आपको आईएएस ज़रूर मिलता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यहीं तक रखते हैं। आपको शायद समझ में आया होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न का कैसा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।